पिंक बेल्ट मिशन के अन्नपूर्णा वीक के तीसरे दिन लोहामंडी स्थित रामनगर में महिलाओं ने प्रतियोगिता में भाग लिया। इस दौरान प्रतिभागी महिलाओं ने कार्यक्रम की ओनर मनीषा ठाकुर का धन्यवाद भी किया। महिलाओं ने बताया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से मलिन बस्तियों में रहने वाली महिलाएं जागरूक होंगी और उनका मनोबल भी बढ़ेगा। लोहामंडी क्षेत्र की मलिन बस्तियों में रहने वाली महिलाओं के लिए अन्नपूर्णा वीक के माध्यम से एक प्रतियोगिता का आयोजन कराया जा रहा है। इस प्रतियोगिता के जरिए महिलाओं को रोटी बनाना, जूता व्यवसाय के बारे में बताना, आलू छीलना, पूरी बेलना, ढोलक बजाना और मेकअप करना जैसे तमाम प्रतियोगिताओं में हिस्सा दिलाने का कार्य अन्नपूर्णा वीक में किया जा रहा है। साथ ही जीतने वाले विजेताओं को पुरस्कृत कर उन्हें सम्मान भी दिया जाता है जिससे उनका मनोबल बढ़े। प्रतियोगिता के दौरान कार्यक्रम में हिस्सा लेने आई महिलाओं ने बताया कि यहां पर आकर कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद उन्हें काफी अच्छा लग रहा है। उनका कहना था कि कार्यक्रम की ओनर मनीषा ठाकुर के द्वारा चलाई जा रही इस प्रतियोगिता के माध्यम से मलिन बस्तियों में रहने वाली महिलाओं का मनोबल काफी बढ़ेगा। अच्छा लगा, गलगस्ती में इतना नहीं लगता था, यहाँ सही लगा। यहाँ आपने प्रतियोगिता में किस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया आपने? मैंने आलू छिलवे में लगा। आलू छिलवे में हिस्सा लिया और इससे मतलब क्या संदेश आता है आप लोगों में? शिक्षा मिल रही है अच्छी और का शिक्षा अच्छी है। अच्छा लगा। आपने यहाँ पर किस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया? आलू छिलने में। और यहाँ पर जो पिंक बेल्ट मिशन की ओर से ये प्रोग्राम कराया जा रहा है तो इससे औरतों में क्या संदेश जाता है? ये भैया आता सब सचना अच्छी बन रही है भैया, ऐसे बननी चाहिए तो सब उनके भी और भी जाए। पिंक बेल्ट मिशन की विजेता अपर्णा रजावत ने बताया कि कोरोना काल के बाद महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। अन्नपूर्णा वीक के माध्यम से महिलाओं को काफी राहत मिलेगी और कोरोना काल के दौरान इस वर्ष कोई भी बड़े त्योहार नहीं किए गए हैं तो इस प्रतियोगिता कार्यक्रम के माध्यम से भी लोगों को काफी खुशी महसूस होगी। अन्नपूर्णा वीक हमने रखा है 7 दिन का कार्यक्रम। ये 7 दिन एक सेलिब्रेशन है महिलाओं के लिए, क्योंकि जो कोरोना काल है एक आर्थिक समस्या से परिवार जूझ रहे हैं, पहला कारण है। दूसरा यह है कि जो इन परेशानियों में जो त्योहारों की भी उमंगें चली गई हैं, जो एक त्योहारों पे एक रास था एक समाज में, वो सारा का सारा खो गया। तो इस अन्नपूर्णा वीक से एक तो आर्थिक सहायता लोगों की करना, दूसरा खुशियाँ लौटाना। एक दिन अगर हम एक मोहल्ले में जाके और इन औरतों को इतना कुछ, जैसे आप देख रहे हैं आज 20 साल से लेकर 80 साल तक की बुढ़िया यहाँ विराजमान है और बहुत खुश है। और तीसरी बात यह है कि महिला जो घर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य है, कि महिला पूरे घर के परिवार का पेट भर रही है, तो वो तो जगत जननी है, वो तो अन्नपूर्णा है। तो उनकी एक महत्वपूर्णता एक समाज में बताना कि वो भी इक्वल हकदार हैं उस प्यार के, उस सम्मान के, वो हम यहाँ पे 7 दिन में अलग अलग क्षेत्रों में आगरा में कर रहे हैं। आप क्षेत्र में जाके क्या पहले से कोई जानकारी देते हैं या डायरेक्ट? हम 2-3 दिन से हर मोहल्ले में, हम 7 दिन हमने जो कार्यक्रम किया है हर मोहल्ले में हम 2-3 बार गए हैं, महिलाओं से मिले हैं, इनको हमने जागरूक किया है कि इस तरह का कार्यक्रम है। हमने इनके नाम लिखे हैं, रजिस्ट्रेशन करे हैं कि जब हम प्रोग्राम करने आए तो किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम ना हो, परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो इनके नाम हम 3-4 चार्जर